तो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर मैं अपनी जो वीडियोस है, आर्ट वीडियोस कैसे शूट करता हूँ। एंड गाइज, आप में से किसी व्यूअर ने मेरे से पूछा कि आप कैसे वीडियो शूट करते हो, और उन्होंने साथ में ये लिखा कि कॉल करके बताओ। बहुत गलत हुआ रे देवा, बहुत गलत हुआ। तो मतलब यार, मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर यार सवाल इन्होंने चलो सही करा कि वीडियो शूट कैसे करते हो, लेकिन इन्होंने ये लिख दिया कि कॉल करके बताओ। तो अब मैं कॉल कैसे भी करूँ, इन्होंने अपना नंबर मेंशन भी नहीं करा। तो मैं सोचा चलो एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं गाइस मैं आप सभी को दिखा दूँगा, साथ में जिनने कमेंट करा भाई ने कि कॉल करके बताना, तो मैं उनको भी दिखा दूँगा कि आखिर मैं अपनी वीडियोज़ कैसे शूट करता हूँ। तो गाइज़ कि मैं अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा हैवी ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ या फिर कैमरे का, तो गाइज़ कैमरा तो है नहीं, मेरे पास जो फ़ोन है मैं उससे अपनी जो वीडियोज़ है शूट करता हूँ, व्लॉग भी इससे बनाता हूँ, और जो गेम वेम जो भी खेलना होता है उससे खेलता हूँ मैं। मतलब तीनों काम मैं इसी फ़ोन से करता हूँ। एंड गाइज, जो भी मतलब एडिटिंग सब होती है वो भी मैं इसी फ़ोन से करता हूँ, और थंबनेल वगैरह भी। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर मैं जो अपनी वीडियोज़ है किस तरह शूट करता हूँ, और पहले मैं किस तरह से करता था लेकिन अब किस तरह से करता हूँ, हर चीज़ आपको दिखाना होता। तो गाइज़ बिना देरी करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ कुछ इस तरह से मेरी पूरी टेबल है जो आप देख सकते हो। एंड गाइज, ये मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है, और गाइज़ इसी टेबल पर मतलब मैं सारी जितनी भी अपनी पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स वगैरह जो भी करता हूँ वो मैं इसी टेबल बैठ के करता हूँ। और ये एक लाइट लगा रखी है मैंने, जिससे गाइज़ आपको वीडियो में तो मतलब अच्छा लगता होगा देखने में भी, कि मतलब एकदम क्लियर आती होगी। गाइज़ मेरी जो पहली की जो वीडियोज़ है उसमें मैंने लाइट्स को इतना मतलब नहीं दिया था जितना मैं खैर अब दे रहा हूँ, क्योंकि लाइट्स गाइज आपकी पेंटिंग्स और आपकी जो कैमरे की क्वालिटी होती है बढ़ा देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी अच्छे से अपने जब आर्ट वीडियो शूट करते हो तो उसमें लाइट का ध्यान रखो। एंड गाइज, ये मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है और बताता हूँ उसके बारे में आपको। तो गाइज, ये जो ट्राइपॉड है वो काफ़ी मतलब मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि गाइज ये थोड़ा छोटा भी है और काफ़ी हल्का भी है ये ट्राइपॉड, सबसे बड़ी बात तो ये। एंड मतलब जो उसका पकड़ने का हर चीज़ है जो भी है वो सब सही है, प्लास्टिक का ये पूरा, और रबड़ इसमें खैर कहीं यूज़ नहीं हुई है। और गाइज, जो इसका ये माउंट है ये भी काफ़ी अच्छा है, बट गाइज जो इसमें रबड़ से लगी थी नीचे की ओर वो मैंने निकाल दी, क्योंकि ना उसके वजह से ट्राइपॉड थोड़ा छोटा हो जाता था, और जो चीज़ें थी मतलब मेरा फ़ोन बहुत बार गिर भी चुका है इस वजह से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैं किस तरह से अपने ट्राइपॉड को पेंटिंग के वक्त रखता हूँ। तो गाइज, जैसे मैंने अभी एक ड्राइंग का पेज लिया है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज आप देख सकते हो कि ये ट्राइपॉड मैं कुछ इस तरह से रखता हूँ, और जब फ़ोन मैं इसको इसमें कर देता हूँ तो गाइज कुछ इस तरह से जो मैं लोअर एंगल की शॉट हर चीज़ अच्छे से ले लेता हूँ, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है और एकदम हर चीज़ क्लियर आती है। तो गाइज, ये जो ट्राइपॉड था ना पहले बहुत मतलब घूमता था, मतलब ये एक टिका नहीं था, एक जगह बहुत घूमता था पहले। तो मैंने क्या करा, जो एक टूथपिक सी होती है मैंने उसको बीच में से काट कर इसके अंदर डाल दी, उसके बाद से गाइज ये एकदम अच्छे से हो गया, आपको शायद दिख रहा होगा। तो इसी तरह से गाइज मैंने इसको अंदर कर, ताकि अभी ट्राइपॉड भाई बहुत कम हिलता है, और मतलब आपका जैसा मन करे आप इसको वैसे एंगल पे आराम से रख सकते हो, तो हिलता बिल्कुल नहीं है ये ट्राइपॉड। और कुछ इस तरह से गाइज ये पूरा ट्राइपॉड है, और इसको आराम से ऐसे रख सकते हैं, इससे आप व्लॉगिंग भी अच्छे से कर सकते हो। और गाइज, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जिसकी रबड़ थी मतलब थोड़ी मोटी थी, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन जो था वो इस पर फिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गाइज फ़ोन में भी कवर होता है, और बिना कवर के वीडियो शूट तो मैंने अभी तक नहीं करी है, तो इसकी वजह से मेरा फ़ोन बहुत गिर जाता था, और ये थोड़ा टाइट भी है इसलिए मैंने इसकी रबड़ निकाल दी। तो गाइज रबड़ से ना थोड़ी ग्रिप बन नहीं रही थी, क्योंकि गाइज ये भी रबड़ का जो मेरा कवर है फ़ोन का वो भी कुछ प्लास्टिक सा ही है, मतलब काफ़ी स्मूथ सा है, तो फिर वो फिसल जाता था, इसलिए मैं उसकी रबड़ निकाल दी। और ये इस तरह से कुछ घूम जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इससे व्लॉगिंग भी अच्छे से कर सकते हो। व्लॉगिंग के लिए गाइज वैसे तो मुझे ट्राइपॉड लगता ही है ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं, एंड काफ़ी भी अच्छा भी लगता है देखने में भी ये। और गाइज मतलब जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि ना ये, और गाइज मेरे पास जो पहले ट्राइपॉड था वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा ट्राइपॉड था कम से कम वो। तो गाइज उससे क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर फ़ोटो आपकी नीचे होती है और जब आप जूम करते हो ना तो उसके जो पिक्सल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये चीज़ दिक्कत थी। इसलिए मैंने गाइज सोचा चलो यार यार ट्राइपॉड भी लेते हैं। तो गाइज ये ट्राइपॉड, इस ट्राइपॉड ने मेरे को बहुत काफ़ी मतलब सेटिस्फाई करा और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और गाइज देख सकते हो कितनी अच्छी लाइट भी आ रही है, इस लाइट ने गाइज मेरी आधी ड्राइंग में मतलब जान डाल दी, मतलब सभी ड्राइंगों में काफ़ी क्लियर दिखने लग गया था। एंड गाइज मेन मकसद तो खैर इस ट्राइपॉड का भी है काफ़ी, तो मतलब जो भी है यार गाइज मज़ा आता है इस ट्राइपॉड में। और ये मेरा पूरा जो पूरा सेटअप शूटिंग का वो कुछ इस तरह से है। तो गाइज इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे वीडियो शूट करता था अपनी। तो गाइज देख सकते हो जैसे मेरा ये एक मैंने फ़ोटो खींच रखी है, तो गाइज पहले मैंने क्या किया था, मैंने साइड में मतलब डंडे लगा रखे थे, और बीच में से डंडा निकाल रखा था, और मतलब उसके बीच में से मतलब मैंने फ़ोन अपना
लगा रखा था। तो गाइस मैं पहले उस तरह से वीडियो शूट करता था, बट गाइस ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गाइस ये तरीका काफ़ी मतलब बेकार साबित हुआ, क्योंकि ना लाइट्स की बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जहाँ मैं बैठता था वहाँ भी लाइट आ रही थी, मेरी शेडो आ रही थी और साथ में डंडों की शेडो भी आ रही थी। लेकिन गाइस मैंने बहुत कम चलाया। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा आराम से ये। तो गाइस आपने देखा कि मैं किस तरह से अपनी जो वीडियोज़ है वो शूट करता हूँ। और पहले तो गाइस थोड़ा मुश्किल था, और गाइस पहले तो डंडे जो थे ना वो शेडोज़ मतलब लाते थे कभी कभी, और जो लाइट थी वो ढंग से आते नहीं थी उस उन डंडों की वजह से। और गाइस मैंने आपको शायद बताया नहीं, मेरी जो पहली मैंने अपनी वीडियो बनाई थी ना वो मैंने अपने हाथ से बनाई थी, और उसमें गाइस मेरे को फिर बहुत कुछ सीखने को मिला कि आखिर मैं उसके बाद फिर मेरे जो दिमाग है वो काम करने लग गया। फिर उसके बाद मैंने ये डंडा सिस्टम पहले करा, उसके बाद ट्राइपॉड लेकर आया, उसके बाद वो जब ट्राइपॉड ख़राब हो गया तो मैं ये ट्राइपॉड छोटा ट्राइपॉड लेकर आया। एंड गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 400-500 का बजट है अपने यूट्यूब के ट्राइपॉड्स के लिए, तो गाइस आप 250 में तो ये जो बड़ा ट्राइपॉड आता है वो ले सकते हो। एंड गाइस ये ट्राइपॉड जो छोटा ट्राइपॉड है वो आपको 80 या 100 के बीच में मिल जाएगा कहीं से भी, तो आप इसको बाय कर सकते हो। काफ़ी मतलब बेहतरीन ट्राइपॉड है। आप जो भी लोअर अगर आप शॉर्ट्स लेते हो वीडियोज़ के लिए, ड्राइंग की वीडियोज़ के, तो काफ़ी बेस्ट रहेगा ये, क्योंकि गाइस ज़्यादा जूम करने से ना, मैंने आपको बताया भी था, ज़्यादा जूम करने से ड्राइंग की जो वो, अब गाइस जिस बंदे के पास कैमरा होगा वो तो कितना भी जूम करे कोई दिक्कत नहीं, कैमरा अच्छी क्वालिटी का ही होता है। बट गाइस फ़ोन से ऐसा नहीं होता, अगर आप फ़ोन से वन टाइम भी जूम कर लोगे ना तो फिर उसके जो पिक्सल्स है वो ख़राब होने लग जाते हैं। और अगर गाइस फ़ोन अगर आपके पास ढंग का नहीं है तो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए गाइस मैंने ये छोटा वाला ट्राइपॉड लिया, क्योंकि इससे ना मैं बिना जूम करे एकदम नीचे तक का जो मतलब नीचे में ड्राइंग है मैं उनको देख सकता था, अपनी उनको कर सकता था, और लाइट भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लाइट जो मिल लगी थी काफ़ी बेहतरीन लाइट थी वो लाइट है वो। तो गाइस बस मैं इस तरह से अपनी जितनी भी सारी वीडियोज़ है उनको शूट करता हूँ। मतलब आप अभी ना ये मत सोचो कि आपके पास महंगा ट्राइपॉड नहीं है, आपके पास महंगी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मत सोचो। आप पहले आप वीडियो बनाओ गाइस, जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते रहोगे ना आपको अपना दिमाग आएगा कि आखिर हम अपनी वीडियोस को और अच्छे से बनाने के लिए कैसे करेगा। इस मैंने गाइस बहुत सारी वीडियोस देखी है कि हाउ टू शूट ड्राइंग वीडियोस, बट गाइस मेरे को उतना मज़ा नहीं आया जितना दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप अपनी गाइस, क्योंकि ना कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपके घर आके आपको ये बताए कि आप अपनी वीडियोस कैसे एडिट करो, आप अपनी वीडियोस कैसे शूट करो। गाइस शूट तो खैर आपको ही करना है, बट गाइस अपना दिमाग लगा कर कि गाइस जहाँ से ज़्यादा लाइट आ रही है वहाँ पे गाइस बैठो आप ड्राइंग करने के लिए। एंड गाइस ज़्यादा जूम करके ड्राइंग मत बनाओ, और गाइस कोशिश करो कि आप एक ट्राइपॉड ना लो तो गाइस आप बुक एक के ऊपर एक बुक रख कर उसमें डंडा लगा कर उसके में फ़ोन रख कर आप वीडियो बना सकते हो। तो गाइस बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप वीडियो बना सकते हो। गाइस अपना मतलब ये बहाने मत दो अपने आप को कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। आपको कहीं से करने का माना होना चाहिए, ना करने का नहीं। तो कहीं ये थी आज की पूरी वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस जैसे भी गाइस वीडियो है गाइस प्लीज़ मुझे थोड़ा आई एम सॉरी, बट मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सका क्योंकि गाइस कुछ गेस्ट आ गए थे घर में इस चक्कर में। तो गाइस कैसे लगे आपको वीडियो को लाइक करें। एंड गाइस चलते गाइस मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।